है, इसके बारे में अब जो बाकी हमारे किसान भाई है साथी है ना, उनको जरा विस्तृत से जानकारी दें कि ये प्रोडक्ट आपने कैसे लिया, कहाँ से लिया और इससे क्या परिणाम आपको प्राप्त हुए। मैं चौधरी जी के यहाँ दवाई लेने गया था, आलू में शुरू से दवाई डालता हूँ मैं इक्को के साथ, जो ये रात रहने लगती है उसके लिए, ताकि वो काटे नहीं पौधे को, मर जाती वो, दो पानी फेरते हैं। मैं लेने गया था, राहुल जी वहाँ बैठे थे, इन्होंने बताया, बोले क्या कर रहा हो, मैंने कहा ये आलू बोना है, कब बोना है, तो मैंने कहा एक दो दिन में बोना है, तो बोले ये अपना एक खाद आया है, बोले आप इसको ले जाओ, तो मैंने कहा ठीक है, बोले बीघा का ये 4 किलो डलेगा, मैंने कहा दो थैली आप दे दो, अभी देख लूँगा मैं कैसा है क्या है, तो मैं लाया, मैंने कहा यूरिया के साथ देने के बजाय ये अपन इसके साथ ही सब मिला के डाल दो इक्को के साथ, तो मैंने डाल दिया, तो 30 कट्टे का बताया था इनने कि 30 कट्टे पे ये दो डाल देना, तो मैंने डाल दिया उसको, तो डालने से ये हुआ कि ये जल्दी निकला आलू। मतलब आपने जो डाला था हाँ। उसमें से पूरे खेत में डाला है कि थोड़ा कुछ छोड़ दिया था, से उधर छोड़ दिया था ना, डंडी गाड़ी छोड़ दिया था है ना, तो इधर जो आपने जहाँ डाला था वहाँ पे आपका कहना है कि जिससे आलू जो है वो जल्दी निकल गया, 10 से 12 दिन में निकला, 10 से 12 दिन में निकला है, और जहाँ नहीं डाला था वो 18 दिन में, मतलब 5 से 6 रोज का लगभग आपको 6-7 रोज का अंतर उसमें लगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दूसरी बात, अभी और इसके बाद में आपने और हाइट में या उसकी चाल में कोई फर्क देखा इसके बाद में? देखा ना, वो तो बहुत नीचे था ना, वो वीडियो फिर राहुल जी आया और वीडियो बनाया तो था उन्होंने देखने के लिए। वो अच्छा जो वीडियो आपने बनाया था राहुल ने वो आपके यहीं कहीं था ना? हाँ, ग्रोथ में बहुत ज्यादा, ग्रोथ में बहुत ज्यादा जब अंतर था, तो फिर मैंने बोला यार इसको भी ऐसा करना पड़ेगा, तो फिर वो यूरिया के साथ ये वापिस मिला के और एटोनिक और इंडेक्स का स्प्रे करा, तो अभी तो इतना अंतर नहीं लग रहा। मतलब आपका कहना है कि अगर मान लो कोई किसान भाई हमारा गैलेंट गोल्ड शुरुआत की अवस्था में नहीं दे पाए, तो बाद में एटोनिक इंडेक्स के स्प्रे करके और जमीन से गैलेंट गोल्ड देकर उसको कवर को कर सकते हैं, मेकअप कर सकते हैं, मतलब जो नुकसान छूट गए हैं। फायदा मैं तो किसानों को यूं ही कहूंगा कि शुरू से इक्को के साथ डाले, मतलब बेसल डोज में दे दें, ज्यादा बेहतर रहेगा उसको डालना तो है, लेकिन अगर मान लो कोई लोग नहीं डाल पाए, अब वो स्थिति तो अपन वापस ला नहीं सकते, जानकारी नहीं डाल पाए, और इस स्थिति में भी अगर वो जाना चाहें तो वो गैलेंट गोल्ड को जमीन से देके और एटोनिक का और इंडेक्स का स्प्रे कर देंगे, तो उनको कहीं ना कहीं जो टाइम उनका छूट गया उसको कवर कर सकते हैं, है ना। तो आप एटोनिक और इंडेक्स से भी संतुष्ट हो, मतलब कुल मिला के इसमें आलू में है ना। तो ये भी आपके सामने जहाँ पे भैया ने हमारे एटोनिक और इंडेक्स का उपयोग किया हुआ है, गैलेंट गोल्ड का उपयोग किया हुआ है बेसल डोज में, और आप देख सकते हैं लगभग 5 से 6 आलू अभी यहाँ पे बन चुके हैं, 40-42 दिन का आपका आलू है। आप ज़्यादा जानकारी रखते हैं आलू के बारे में सभी लोग, आप कह सकते हैं कि अभी आप बाकी लोगों ने जहाँ पे नहीं उपयोग किया उनके आलू की पोजीशन क्या होगी। कुछ आलू आप देख रहे हैं यहाँ से उखाड़ने में मेरे से ये ज़मीन के अंदर छूट गए हैं, है ना। तो 6-7 आलू लगभग एवरेज बनते हैं, तो मेरे हिसाब से उत्पादन ठीक होगा, क्योंकि भैया का कहना है 4 से 5 बन जाए तो भी पर्याप्त है ना, एटेल में तो 4 बन जाए तो काफ़ी पर्याप्त रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी बाकी साथी जो किसान भाई हैं उनको क्या सलाह देंगे आप गैलेंट गोल्ड और एटोनिक इंडेक्स के लिए? डाले गैलेंट गोल्ड, इक्को कम कर दे, बजट आपको ज्यादा लग रहा हो तो और गैलेंट गोल्ड डाले, बहुत बढ़िया, क्योंकि 4 किलो 1 बीघा में पड़ रहा है, 400 का, तो उसको 2 बोरी नहीं करते हुए बीघा की 1 बोरी डाल के और ये डाल दे, क्योंकि ये पूरा खेत को भुरभुरा कर रहा है। अभी आप चले होंगे तो दिख रहा होगा आपको पेड़ कितने गरड़ में दब रहे हैं, उखाड़ने में भी ये हमने देखा इसको बड़ी आसानी से ये बाहर आया है, बजाय उसके अपन उधर से जो उखाड़ा उसकी तुलना में इसको जो उखाड़ने में भी आसानी से मिट्टी का मतलब तो अच्छा नहीं है। काफ़ी किसान हैं यहाँ तेल वाले भी, तो बीमारी तो इसमें नहीं आई है इस साल, हर साल तो मेरे को 4-5 स्प्रे करना पड़ता है, पर अभी तक 2 ही स्प्रे करा है। एक बार जो समस्या आप बता रहे हैं कि जो ज्यादातर खेतों में जो आलू बैठने की समस्या है, ये पौधा खराब होने की बीमारी, इस खेत में आपको क्या दिखा रिजल्ट? इसमें तो एक भी नहीं दिखा, एक भी नहीं, मतलब जब ये पन्ने डाली तो एक भी मतलब पौधा उत्सुक नहीं हुआ या बैठा नहीं। आपने इसमें किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे किया है क्या? नहीं। अभी एक चीज और, हम लोगों ने कई जगह आलू में जब देखने को अपने यहाँ पे भी गए थे और जब भी देखा है हमने कि जहाँ पे आलू 35-40 दिन का हो जाता है वहाँ पे थोड़ा सा नेक्रोसिस, मतलब पत्तियों के ऊपर या पीले कलर का या धब्बे कलर जैसे दिखता है, गोल 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 धब्बे दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी शिकायत लगभग नहीं दिख रही है, खुला पत्ता आप देख सकते हैं, इसमें अच्छा खासा हरापन अपने को दिख रहा है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें न्यूट्रिएंट अपटेक जो जमीन से होते हैं वो भी बहुत बेहतर तरीके से हुए, जड़ें भी काफ़ी अच्छी खासी इसकी डेवलप हुई हैं, आप देख सकते हैं जो मेन जड़ें उसके अलावा सेकेंडरी रूट्स भी है ना, और आलू भी आपके अच्छे बनते हुए जा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेवाल जी, और बाकी लोगों को भी आप इसी प्रकार की सलाह देते रहें ताकि सभी का आपके साथ साथ हित हो, और सभी लोगों को बताएं कि एटोनिक इंडेक्स और गैलेंट गोल्ड को आलू में, प्याज में, लहसुन में, गेहूं में, सभी फसलों में इसका उपयोग करें।